दरअसल ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए वो गए थे, कहा कुछ और था किया कुछ और। बी टीम के लोग थे, कहा तो सदस्यता का था और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार कोई उड़ा ले गई, बमंडर हो गया, लांगूट बन गया वो। और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। वहां देखने में सिर्फ यही आया कि टिकट मांगने वाले आपस में मुंह बात कर रहे थे, बाकी ग्वालियर में कुछ नहीं था। तो बैठक है आज कांग्रेस चुनाव को लेकर, बैठक ही कर सकते हैं, बड़ी प्रदर्शन थोड़ी बड़ा होगा। और उनकी अपनी बैठक है, वो जैसे चाहे वैसे करें। सर एमपी कांग्रेस सीट मान बचाएंगे और बिकाऊ जयचंदो को हटाएंगे, ये ट्वीट ही कर सकते हैं। मैं लगातार रोज कह रहा हूं, ट्वीट तो आज सिब्बल जी ने भी किया है, दोबारा ट्वीट किया है। जो पार्टी अपने अंदर का लोकतंत्र नहीं बचा सकती, वो देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। राजस्थान में उनके विधायक चले गए तो कहने लगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और वापिस आ गए तो लोकतंत्र का पुनर्जन्म हो गया। ऐसी तो पार्टी है, वो कभी पुनर्जन्म कर लेती है, कभी हत्या कर देती है। सर कल दतिया में जा रहा है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए हैं उनकी जांच करेगा गोविंद सिंह अरोड़ा। मैं चाहूंगा, उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि एक भी झूठा हो तो मीडिया के सामने ला के रखें, किसी पे भी झूठा प्रकरण दर्ज हुआ हो। वो दरअसल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं जा रहे, भूमाफियाओं के लिए जा रहे हैं। जिन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 2,500 बीघा सरकारी फॉरेस्ट की जमीन खुर्द बुर्द कर दी और बेच दी, ये वो मामला है जिसके लिए वो जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जा रहे हैं जो बेसलरी का पानी लोगों को जहर बना के बेचते थे, उनके लिए वो जा रहे हैं। पर उन दोनों के बारे में भी अगर झूठा है तो जरूर मीडिया के सामने रख दें, हम तो उसी को सच मान लेंगे जो वो रखेंगे। कांग्रेस का कहना है कि जो दाम है वो बीजेपी सरकार बढ़ाकर दे रही है, तो हम बिजली के जितने भी कनेक्शन कटेंगे हम खुद जाकर जोड़ेंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके समय में, कांग्रेस के समय में लालटेन युग में चला गया था प्रदेश, वो कांग्रेस कह रही है चिमनी युग में चला गया था। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने संबल योजना लागू कर दी, और आपने भी देखा होगा जो बिल 200 था 100 किया, 400 का 200 किया, सब आपके सामने आ गया है। ये जो बैकलॉग है, जो लॉकडाउन के पीरियड का है, जब निर्बाध लॉकडाउन के पीरियड में निर्बाध विद्युत की सप्लाई जारी रही, उन 3 महीने में बिल नहीं आया है, उसके बारे में भी कहा है कि वो समायोजित होगा। ये भी कहा है कि इस तरह का गरीब को कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। सारी बातें आ चुकी हैं, अब ये लोग ट्विटर और पेपर पर ही कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस के कई क्षेत्रीय नेता हैं ग्वालियर चंबल के मालवा निमाण के, कि भाई जो बड़े नेता जो लगातार लड़ाई कर रहे हैं ऊपर की, इसका खामियाजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ा है। 15 महीने की सरकार चली गई है और आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो रही है, उपचुनाव भी है। भयावह है, देखो मैं पहले कह चुका हूं, कल भी मैंने कहा था, या तो गांधी मुक्त कांग्रेस होगी या कांग्रेस मुक्त भारत होगा, दोनों में से एक बात भविष्य की संभावनाओं में दिख रही है। और लगभग लगभग रसातल की ओर ये कांग्रेस का जहाज जा रहा है। सर एनईटी की बात करें, सब जो है कांग्रेस शासित राज्यों के लोग विरोध कर रहे हैं। देखो ये कोई तीसरे चौथी की परीक्षा नहीं है, इसमें पास होने वाले लोग, इन परीक्षाओं में जो नौजवान हमारा भावी भविष्य वाला आता है, वो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी में शामिल होता है, सरकार चलाता है, प्रशासन चलाता है, इलाज करता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं, अगर इसमें
कोई पास अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा तो वो जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा और उसे उतना ज्ञान नहीं होगा शरीर का, तो तकलीफ जाती है। और इसलिए इसको मुद्दा, मेरे ख्याल से नौजवान के भविष्य को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। दिग्विजय सिंह को किया गया है अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने, वो तो उच्च स्तरीय शुरू से ही है, उनकी बातों से भी लगता है। कालाबाजारी हो, यूरिया हो, कोई भी यूरिया की कालाबाजारी करेगा, राशन की कालाबाजारी करेगा तो जेल ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश आ गए हैं, नीचे तक निर्देश पहुंचा दिए गए हैं और प्रशासन और शासन को ये चिंता करनी चाहिए, अगर कहीं भी कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस क्षेत्र के थाने पर भी कार्रवाई होगी और अधिकारियों पर भी होगी।